अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। तुम्हें क्या लगता है जानकी, हर्ष एक्सीडेंट से पागल हो गया या उसे कोई जानबूझकर पागल बना दिया? हर्ष जहां कहीं भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे और तब जानकी को पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है हर्ष को किडनैप करके। मम्मी जी, हम सब कुछ आपको बाद में बताते हैं। अभी हर्ष की तबीयत ठीक नहीं है, उनको आराम करने देते, पर बताएंगे जरूर। मैं हैंडसम नहीं लग रहा? आप हैंडसम हैं, और रही बात इन मार्क्स की ना, उनको क्यों गायब कर सकते हैं? कैसा लगा हमारा मैजिक? मैं भी एक मैजिक करूं। क्या? आंख आइस क्लोज करो। यहाँ बैठो। चीटिंग मत करना, ठीक है? मत करना। ओके। अपनी आंखें खोले। थैंक यू, तुमने मुझे राजेश भैया से बचाया। मैंने सबको कह दिया था कि तुमने मुझे झट से धक्का दे दिया। सॉरी, गलती हो गई गुड़िया। कोई बात नहीं है, इट्स ओके। दोबारा कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना? कभी छोड़ कर नहीं जाएगी। छोड़ के जाओगी तो राजेश भैया मुझे मार देंगे। नहीं, अब आपको कोई भी नहीं मारेगा, क्योंकि आप अपने घर में तुम्हारे साथ। हर्षिम, आपको कैसे बताएं कि आपको तो घर में ही खतरा है, पर कौन है वो? राजेश भैया या कोई और? माँ, सवाल हर्ष की जिंदगी का है। आप कैसे उस तरह जानकी को उसके कमरे में जाने दे सकते हो, अकेले उसके साथ? राजेश बिल्कुल सही कह रहा है, जानकी को सच बताना ही पड़ेगा कि क्या हुआ था। लेकिन डैड, जब राजेश ने हसीये से डराने वाली बात की थी तब जानकी चुप क्यों थी, इसका क्या मतलब है? हमको भी अजीब लग रहा है, जानकी को कुछ तो जवाब देना चाहिए था ना। मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ और सारा सच सामने आ जाएगा। अरे राजेश, जोश में आके बेवकूफी मत करो तुम। पहले पता लगाना है सच क्या है, उसके बाद तय करेंगे क्या करना है। तो पापा, ये मौका आप मुझे दीजिए, हर्ष मेरा भाई है, ये काम उसके लिए मैं करूँगा और मैं अभी जाकर सच का पता लगा के रहूँगा। नितिन का फोन भी नहीं लग रहा है, वो कैसे बताए कि यहाँ कितना कुछ हो गया? गुड़िया, जानकी कहाँ थे तुम लोग रात भर, और हम लोग को फोन क्यों नहीं किया तुमने? भैया, अभी भी आप हमसे सवाल कर रहे, आप पूछ रहे हमसे ये सब कुछ? मतलब कि आप लोग जाओ ना, पापा प्लीज, पापा सबको भेज दो ना, प्लीज प्लीज। मेरी गुड़िया को अगर हाथ लगाया ना, कुछ नहीं होगा हमें, तो मैं मार दूंगा। शांत हो जाओ प्लीज। देखिए, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, अभी हर्षी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ बाबा भैया, इतनी चले जाओ यहाँ से प्लीज। हर्ष शांत हो जाओ, मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, हम हैं ना यहाँ पे। जानकी, जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। हर्ष को लेकर तुम कहाँ गई थी, और राजेश की गर्दन पर हथियार रखकर तुमने उसे डराया था या नहीं? अरे
अरे जवाब दो, बोलो बताओ, इनको लगाया था कि नहीं? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, इनकी तबीयत ठीक नहीं। एक मिनट पापा जी, ठीक है, आप पहले ना राजेश भैया से पूछिए कि फार्म हाउस पर कौन सा गेम खेल रहे थे। बता चुका हूँ, चोर सिपाही। अच्छा, तो फिर वहाँ पर डॉक्टर और नर्स क्या कर रहे थे? डॉक्टर और नर्स? हाँ, ये कौन सी नई बकवास है? डॉक्टर बकवास, हम ही बकवास, आप कर रहे हैं भैया। सब कुछ देखने के बाद ना एक बात तो क्लियर हो गई हमारे दिमाग में, आप चाहते नहीं हर्ष जी का भी ठीक हो, आप चाहते ये पागल रहे। पागल तुम हो गई हो। पापा आपने इसकी मत देखी, पहले तो वहां हर्ष को किडनैप करके ले गई, उसके बाद सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अरे जान के क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, थोड़ी तो शर्म करो। हम शर्म करें? अपने छोटे भाई के साथ ये सब कुछ करते हुए आपको शर्म नहीं है? मतलब हम सोच भी नहीं सकते। जानकी, तूने राजेश पर हसिया ताना था? बताओ। हाँ मम्मी जी, क्योंकि अगर हम हसिया नहीं तानते तो हर्षी नहीं, इनकी लाश यहाँ पर। अरे बस करो यार, कुछ भी बकवास कर रही हूँ। बकवास सब नहीं, बकवास आप कर रहे हैं भैया। अपने छोटे भाई को शॉक ट्रीटमेंट देते वक्त बस सोचा तक नहीं। ये तू क्या कह रही है जानकी, हम सच कह रहे हैं दादी। तो इसलिए हर्ष भैया ने आपको फोन किया था? हाँ। नॉट पॉसिबल, ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पापा जी ऐसा हुआ है, हम गवाह हैं। राजेश बहन को इसीलिए तो लेकर गए थे ताकि वह इनको शॉक ट्रीटमेंट दे सके। और ये सारी बात हर्ष जी ने हमें फोन करके बताया और फिर हम इनको बचाने चले गए। ये सब झूठ है, इससे एक बार पूछो, अगर ये सब सच है ना, क्या कहानी बताई वो शॉक ट्रीटमेंट नर्स, कोई सबूत दिखाओ, है कुछ? I'm sorry, हर्ष जी। क्यों हुआ? करना होगा। ये देखिए पापा जी, पापा जी प्लीज आप लोग सबको लेकर के जाइए, ये घबरा रहे, देखिए इनकी हालत कैसी हो गई है। सब लोग चलो 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 वंदना। माँ, दादी हम संभाल लेंगे, आइए आइए बैठिए, यहाँ पे बैठिए, कहीं लगी नहीं ना, आप ठीक है ना? हम आपके लिए चॉकलेट शेक लेकर आए, उससे आप स्ट्रांग हो जाओगे। स्ट्रांग हो जाऊंगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस लेकर आए? ठीक है, ओके। तुम अपनी और हर्ष की जान बचाना चाहती हो तो तुम पता लगाओ कि वहां कौन है तो तुम्हें और तुम्हारे पति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हर्ष के लिए हमें जिससे भी लड़ना होगा हम लड़ेंगे। नितिन भाई, तूने और जानकी ने ऐसा क्या किया, ये घर हमें वापस मिल गया? अब हम लोग यहाँ रह सकते हैं, जानकी अपने ससुराल वालों से बात करके सब ठीक कर दी है। बैठिए, हम कुछ खाने के लिए लाते हैं। वो नितिन, पापा मैं दवाई लेकर आता हूँ। अरे सुन तो सही, जानकी से बात हुई? हाँ पापा, वो दी नहीं, अचानक से कहाँ चली गई, कभी ऐसा करती नहीं है। मैं बीमार हूँ और मुझसे बात ना करें, कभी ऐसा हुआ तो नहीं? ये नितिन सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, वो दी का फोन आया था लेकिन उस वक्त आप सो रहे थे तो हमने सोचा बाद में बात करवा देंगे, है ना माँ? हाँ सो रहे थे, दवाई खिलाओ पहले, हम भी बताना भूल गए। कुछ खा लीजिए, काय चिंता करते, सब ठीक हो जाएगा, रहने को मिल गया ना इस घर में। ये कब तक पापा से ये सब छुपाना पड़ेगा हमें, किसी दिन उन्हें पता चल गया तो? रंगीली, राजेश ने सच में हर्ष को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिलवाए, क्या ये सच है?
तुम तो राजेश को जानती ही हो ना, तो तुम्हें भी तो रोज मारता है। यहाँ बात मेरी नहीं है, बेचारा हर्ष फंस गया और सारी गलती मेरी है। तुम राजेश को जानती हो ना, उसने इतनी चालाकी से सारे इल्जाम जानकी के सर पे डाल दिया। उसने घर वालों को यकीन दिला दिया कि जानकी है जिसने हर्ष की किडनैपिंग करवाई थी, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे हर्ष को बेचना ही नहीं चाहिए था राजेश के साथ। अंगेली, हम जानकी की किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते क्या? नहीं वन्ना, हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले ही जानकी को आगाह किया था कि वो किसी का भरोसा ना करे। तुमने उसे मेरे बारे में भी बताया? नहीं, पर वंदना, ये जानकी की लड़ाई है और हर्ष जानकी पे बहुत भरोसा करता है। तुमने सही कहा था वंदना। और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ भी रही है, तो उसे लड़ने दो ना। और जानकी की किसी प्रेम और विश्वास की लड़ाई से हर्ष ठीक हो सकता है। और वंदना, शास्त्री परिवार के जिस राज को तुम बाहर लेकर नहीं आई, मुझे लगता है कि जानकी उस राज को सारी दुनिया के सामने लेकर आएगी। सही कह रही हो रंगीली, भगवान करे जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल वैसा ही हो। रंगीली, थैंक यू। खुश रहो। पापा, ये जानकी एकदम झूठ बोल रही है। हर्ष भाई है मेरा छोटा, उसके साथ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कभी? पर पापा, ये जानकी वहां आकर हर्ष को वहां से ले गई थी। ये निशान इसने हर्ष के शरीर पर बनाया ताकि मुझ पर इल्जाम लगा सके। पर कितना झूठ बोलेंगे भैया, आपकी हालत और आज हर्ष की जो हालत है वो सिर्फ आपकी वजह से। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हमारे। राजेश, तुम सही हो ना? Then prove yourself. अब तो केवल हर्ष ही मेरे बचने का हथियार बन सकता है। ठीक है पापा, आप चाहते हो ना मैं प्रूव करूं कि मैं सही बोल रहा हूं। इसका सिर्फ एक तरीका, हर्ष को बुलाओ। हर्ष को बुलाओ पापा, वो आपको सच बताएगा। नहीं भैया, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो नीचे आकर के कुछ बोल सके। वो बहुत डरे हुए। देखो, ये चाहती नहीं है कि हर्ष आए और सबके सामने सब सच बताए, क्योंकि इसका झूठ पकड़ा जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? पापा जी, आप That's enough. हर्ष को बुलाओ। पापा, हर्ष भैया आ गए। हर्ष, हर्ष इधर आ भाई। मेरे भाई, देखिए लोग क्या बोल रहे हैं। मेरे भाई सुनना, इधर इधर रुई जा, मैं संभाल लूंगा। अगर किसी को कुछ पता है तो जानकी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कर सकता हूँ? हर्ष बताना इनको कि मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? सुना पापा आपने, हर्ष ने सबके सामने बताया। और शिखर, तूने सुना भी के नहीं? एक मिनट, ये देखा आपने? हर्ष भाई आपसे डर रहे हैं और जानकी भाभी के पीछे जाके छुप रहे हैं। तो ये कि जैसे आप बोल रहे हो कि जानकी भाभी ने उन्हें टॉर्चर किया था, उन्हें किडनैप किया था, अगर ऐसा कुछ होता ना, वो भाग के जानकी भाभी के पीछे जाके छुपना चाहते। वो डर रहे हैं आपसे। क्यों? अरे बस कर शिखर यार, कहना क्या चाहते तू? ये जो जानकी बोले वो सच है और मैं झूठ हमेशा उसकी साइड लेता यार। कभी तो अपने भाई पे भरोसा कर। भाभी भाभी भाभी, क्योंकि जो है वो है राजेश भैया। अगर भाई होने से बातें बदलने लगती तो बात ही क्या थी? तो समझाने चुप हो जाइए। पापा जी, देखिए जो सच था वो हमने बता दिया। अब उस पर विश्वास करना नहीं करना सब आप लोगों के ऊपर है, पर एक बात तो तय है कि हम हर्षी को छोड़कर के कहीं भी नहीं जा रहे। मैं भी नहीं जाऊंगा। चलिए, हे भगवान, मेरे हर्ष को हर बुरी नजर से बचा के रखना। हमें भी हर्ष के लिए दिया जलाने दीजिए। पता नहीं हर्ष के साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। राम, हमें लगता है कि
जानकी झूठ नहीं बोल रही है बेटा। पता नहीं माँ, हमें लगता है राजेश भी सही कह रहा है। हर्ष के लिए जब भी जैसा भी डिसीजन हमने लिया है, राजेश ने हमेशा साथ दिया है। और फिर दोनों हमारे बेटे हैं, हम एक को छोड़ के दूसरे का साथ कैसे दे सकते हैं? जानते हैं, हर माँ बाप के लिए उसके बच्चे बराबर होते, लेकिन राजेश को तो तू जानता ही है ना, वो किसी का गुस्सा किसी पे निकाल देता है। मानते हैं कि राजेश इस घर के लिए, इस बिजनेस के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो हमेशा से हर्ष को मारता रहा है, उसे कमरे में बंद कर दिया करता था। वो तो जानकी के आने के बाद तेरे हर्ष की हालत में सुधार आया, और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है बेटा कि राजेश जानकी को पसंद नहीं करता है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो पापा को विश्वास हो जाएगा कि ये सब मैंने किया है। देख बेटा, मैंने तेरी मनपसंद खीर बनाई, देख ना बेटा। आ जा, चल मैं तुझे अपने हाथों से खीर खिलाती हूँ। लालू प्लीज, मेरा मन नहीं है। हर्ष भाई, ये देखो, ये तो रिमोट कंट्रोल वाली कार है। चलो पास आओ। ये ओ, ये तो ड्रिफ्ट भी कर रही है हर्ष भाई। ये देखो, क्या हुआ जानकी बेटा? देखना, हर्ष ना कुछ खा रहा है ना खेल रहा है, भगवान जाने क्या हो गया इसको। दादी देखिए, अभी इतना सब कुछ इनके साथ हुआ है तो बहुत डर गए हैं, अभी भी उनके अंदर वो घबराहट है। जैसे ही नॉर्मल होंगे सब ठीक हो जाएगा। आप खीर हमें दीजिए, हम खिला देंगे। रोते नहीं है, यू आर अ गुड बॉय एंड ब्रेव बॉय, है ना? तो चलिए आइए। मुझको शॉक क्यों दिया? एक बात कितनी बार समझाऊं तुम्हें, औरत हो, औरत बन के रहा करो। हमें प्रीत, चोट कैसी लगी आपको? प्रेम बंधन। वंदना, वंदना, मर गई क्या? ऐसे ही थी। क्यों? तुमने उसको शॉक क्यों दिया? एक बात कितनी बार समझाऊं तुम्हें, औरत हो, औरत बन के रहा करो। इसलिए क्या? रुको, इधर आओ, इधर आओ। बाल ठीक करो, राजेश शास्त्री की बीवी हो, लगना चाहिए। हाँ जा 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 जा, जा। जो भी औरत राजेश शास्त्री के रास्ते में आएगी,
कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और जानकी तू, तुझे तो इसकी कीमत आज ही चुकानी पड़ेगी। इस खीर को फ्रिज में रख देते हैं, हर्षी थोड़ा आराम कर ले फिर खिला देंगे। हर चीज तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। हम तो बस आपसे इतना ही कह रहे हैं। जानकी, तुम पर ना इल्जाम लगा है कि तुमने किडनैप किया था हर्ष को, इसलिए दूसरों की जिंदगी में अपना दिमाग लगाने से अच्छा अपनी जिंदगी संभालो। प्रेम बंधन। ये सब क्या है, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ जानकी, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, पर ये आप पर हम कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ना तुम जाके अपना काम करो। अभी पर ये चोट कैसी लगी आपको? वो कमरे में पीहू पाट के खिलौने पड़े थे, उस पर पैर पड़ गया, ध्यान ही नहीं गया तो नीचे गिर गई और जरा सी चोट लग गई, ठीक हो जाएगा। सॉरी भाभी, ये घाव देखकर ये तो नहीं लग रहा है कि आपके पैर फिसल गए? और मैंने कहा ना जानकी, हर चीज तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। हम तो बस आपसे इतना ही कह रहे हैं। जानकी, तुम पर ना इल्जाम लगा कि तुमने किडनैप किया था हर्ष को, इसलिए दूसरों की जिंदगी में अपना दिमाग लगाने से अच्छा अपनी जिंदगी संभालो। शास्त्री परिवार को तुमसे ज्यादा और तुमसे बेहतर जानती हूँ। हर्ष भाई है मेरा छोटा, उसके साथ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कभी? इस घर में बहुत राज छिपे हैं, जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हर्ष एक्सीडेंट से पागल हो गया या उसे कोई जानबूझकर पागल बना दिया? बड़ी पुरानी कहावत है जानकी, घर का भेदी लंका उठाए। तुम अपनी और हर्ष की जान बचाना चाहती हो तो तुम पता लगाओ कि वहां कौन है जो तुम्हें और तुम्हारे पति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुझे क्या लगता है तुम अपने इस पागल पति को मुझसे बचा लेगी? मैं फार्म हाउस पे आके जो कुछ भी तूने मेरे साथ किया, जिला है मैं भूल जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।